मैं गुजरांवाला का हूँ, सिर्फ ये साबित करने के लिए मेडिकल हॉस्टल में मैं दो मैसों का बिल देता था कि भाई एक मैस से पेट नहीं भरता, गुजरांवाला का हूँ। गुजरांवाला वाले हर चीज़ की तारीफ यूं करते हैं जैसे वो खाने की चीज़ हो। वो गाड़ी देखकर भी कहेंगे क्या मज़ेदार गड्डी है। गुजरांवाला वाले मौसीकी को रूह का हर हिस्सा समझते हैं। गाना पसंद ना आए तो उसे बुरा नहीं कहेंगे, बेलज्जता कहेंगे। गुजरांवाला में एक पहलवान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह भूख देना। मुझसे ना रहा गया, पूछा पहलवान जी खुदा से खाना मांगो। बोला ओ भाई बदकिस्मत वो नहीं होता जिसके पास खाने को कुछ ना हो, बदकिस्मत वो होता है जिसके पास खाने को तो हो भूख ना हो, इसलिए खुदा से भूख मांगो। कोई लड़की कहे मैं बेबी डॉल हूँ तो लौरिया उससे उसका नंबर पूछेगा, जबकि गुजरांवालिया पूछेगा कौन सा डॉल, लस्सी का डॉल या सरदाई का डॉल। एप्पल कंपनी का आपने लोगो देखा, ये लोगो गुजरांवाला के बंदे ने बनाया था। वो एप्पल का लोगो बनाते बनाते उसे भूख लगी, उसने चक मार लिया, वरना लोगो पूरे सेब का होता। गुजरांवाला में मेहमान आ जाए तो 3 दिन उसका खाने से मुंह बंद रखते हैं, 4थे दिन पूछते हैं आप बताएं कैसे आना हुआ, तब तक वो खुद भूल चुका होता है क्यों आया। अच्छा ये गुजरांवाले के लोग गनी उसे समझते हैं जो सिरी पाए बेचता हो। छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं करते, उन्हें किताब भी वही पसंद आती है जो किलो 2 किलो की हो। उर्दू अंग्रेजी पंजाबी जबान बोलेंगे मगर पूछो कौन सी जबान पसंद है तो कहेंगे सिरी पाए वाले की। लाहौर के लोग चिड़े खाने गुजरांवाला जाते हैं। ओ भाई अगर वो खाने वाले होते तो अब तक गुजरांवालियों ने उनको ख़त्म ना कर दिया होता। उन चिड़ों का साइज देखो तो वो लालियाँ कव्वे कबूतर तो होंगे, चिड़े नहीं हो सकते। एक होटल वाले से पूछा इस साइज के चिड़े तो नहीं होते, वो बोला पहलवानों के चिड़े इसी साइज के होते। कहता छोटी चिड़ियाँ तो हम चाय में डुबो कर खाते हैं, आप भी खाएं। मैंने कहा अगर मज़ा ना आया तो, बोला फिर ऐसी वाह या तर्क दोबारा ना करना। हमने पूछा चिड़े पकड़ते कैसे हो, बोला हम उनको कहते हैं घबराना नहीं, और वो सहम जाते हैं हम उनको पकड़ लेते हैं। टूटी जूती नहीं पहनेंगे पर कान टूटे हुए होंगे। किसी से रास्ता पूछो तो खुद उस जगह छोड़ने चल पड़ेगा, आपका दरमियान में इरादा भी बदल जाए मगर वो वापस नहीं आने देगा। गुजरांवाला के लोग बड़े सच्चे होते हैं। मैंने खुद एक नकली माल बनाने वाले की दुकान पर बोर्ड लगा देखा, नकालों से होशियार रहे। गुजरांवाली ये नहीं कहते शादी पर जा रहे हैं, कहेंगे शादी खाने जा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में शादी होती है तो कहते हैं आप दुल्हन को किस कर सकते हैं, यहां कहते हैं रोटी खोल दो, और रोटी से पहले बराती खुल जाते हैं। एक पहलवान शादी पर हमेशा खाना देकर एहतरामन खड़े हो जाता और खड़ा होकर खाता। एक दफा किसी ने कह दिया बैठकर खाएं, बोला बैठकर खाएंगे तो फिर उठेगा कौन। इस्लामाबाद वाले यूं खाते हैं कि खाने को भी पता नहीं चलता कि उसे खाया जा रहा है, जबकि गुजरांवाला वाले सिर्फ खाना शुरू करते हैं खत्म वो खुद होता है। आम लोगों को भूख लगे तो खाने गुजरांवाला जाते हैं, लेकिन जर्नैलों जर्नलिस्टों बिजनेसमैनों और ब्यूरोक्रेट्स को भूख लगे तो वो गुजरांवाला नहीं जाते, इस्लामाबाद जाते हैं।